सी रही भंवर में किनारा नहीं मिला, किनारा नहीं मिला। कश्ती रही भंवर में, कश्ती रही भंवर में किनारा नहीं मिला, किनारा नहीं मिला, किनारा नहीं मिला। जब तक मेरे आका का इशारा नहीं मिला, जब तक मेरे आका का इशारा नहीं मिला, जब तक मेरे आका का इशारा नहीं मिला, कश्ती रही भंवर। हफ्सा बिन परवीन बिन मौलाना इशफाक, पम्मी परवीन बिन्त मोहम्मद कलीम, जीनत बेगम बिन्त अजहरुद्दीन, हुमैरा तमसील बिन्त मुफ्ती गुलाम रसूल कासमी, सलीना परवीन बिन्त मोहम्मद हसनैन, गजाला परवीन बिन्त मोहम्मद शमसुद्दीन, मोहम्मद साद अंसारी बिन हाफिज मोहम्मद मंजूर आलम, मोहम्मद समीर अंसारी बिन मोहम्मद सरफराज अंसारी, मोहम्मद सईद अरशद बिन तनवीर आलम, अफीफा परवीन बिन्त मोहम्मद नौशाद हुसैन, सोनी खातून बिन्त मोहम्मद मुख्तार, फरहत नाज बिन्त मोहम्मद आशिक इलाही, वलीउल्लाह हुसैनी बिन मौलाना हुसैन, सलमान खुर्शीद बिन खुर्शीद आलम, मरियम नाज बिन्त मोहम्मद बशीर, सादका परवीन बिन्त हाफिज मोहम्मद इस्लाम, मुस्कान परवीन बिन्त अब्दुल अजीज, मुबशरीन परवीन बिन्त मोहम्मद मुख्तार आलम, नौशाबा परवीन बिन्त मास्टर नौशाद आलम, गुलनाज परवीन बिन्त मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद सनाउल्ला बिन मोहम्मद अहमद अली, मोहम्मद शाहनवाज बिन सलामत अंसारी, शबनम खातून बिन्त मोहम्मद मकसूद आलम, बरकतुल्ला अंसारी बिन झकसूमिया, मोहम्मद जुनैद बिन गुलाम रब्बानी, साजिदा खातून बिन्त बशीरुद्दीन, मोहम्मद आसिफ बिन मोहम्मद मुस्लिम, नेहा परवीन बिन्त कारी गुलाम रब्बानी, शबनम खातून बिन्त रियाजुल हक, तस्नीम फातिमा बिन्त मोहम्मद यूनुस, रुखसाना खातून बिन्त मोहम्मद सिकंदर। ये कुल 31 नफर है, कुल 31 नाम पुकारे गए हैं, जिन तलबा व तालिबात के नाम लिए गए। हम गुजारिश करेंगे उनके जिम्मेदारों से भी कि उन्हें नीचे ले आए। हजरत, ये आपके इल्म में था और इश्तिहार में भी ये शराइत व जवाबित की वजाहत की गई थी। उसमें खास बात ये थी कि अगर किसी एक पोजीशन पर मुतअद्दद तलबा आते हैं, मसलन कई तलबा चौथी पोजीशन, तीसरी, पहली और दूसरी पे आते हैं, तो ये देखा जाएगा कि किसकी कॉपी में कम से कम काट छाट या ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग यानी कलम को दो बार चलाना। ऐसे ही काट छाट, मसलन किसी ने एक सवाल को सही किया, फिर उसके बाद उसको गलत किया, दोबारा फिर दूसरे ऑप्शन को सही किया, इस तरह की काट छाट जिस कॉपी में ज्यादा होगी उसकी माइनस नंबरिंग की जाएगी और उसकी पोजिशन नीचे चली आएगी। आज के इस प्रोग्राम के लिए ऐलान ये किया गया था कि पहला इनाम जो है वो 10,000 रुपए का होगा, लेकिन मौलाना मोहम्मद इलियास साहब मजाहिरी की करम फरमाई और उस करम फरमाई में इजाफा मुफ्ती मोहम्मद बिन नजर रशीदी नदवी ने यूं किया कि 10,000 की रकम अब अव्वल पोजीशन को नहीं बल्कि 15,000 की रकम मिलेगी। अव्वल पोजीशन को 15,000, दोम पोजीशन को 5,000 रुपए और सोम पोजीशन को 3,000 रुपए। इसके अलावा तमाम शुरका मुसाहिमीन और मुसाहिमात को उनके लिए किताब मौजूद है बतौर इनाम, उन्हें सनद शिरकत से भी नवाजा जाएगा। ऐलान यूं था कि अव्वल दोम सोम के अलावा चौथी पोजीशन से लेकर दसवीं पोजीशन तक के फाइजीन को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, लेकिन आप दुआ खैर कीजिए मौलाना मोहम्मद इलियास मजाहिरी के हक में कि इन्होंने इस 10 को बढ़ाकर 30वीं पोजीशन तक के तमाम तलबा व तालिबात को 1,000 रुपए देने का कल इसको इन्होंने मंजूरी दी और इसका ऐलान फरमाया। अव्वल 15,000 रुपए, दोम पोजीशन 5,000 रुपए, सोम पोजीशन 3,000 रुपए और चौथी पोजीशन से लेकर तीसवीं पोजीशन तक के तमाम तलबा और तालिबात को 1,000 रुपए के नकद इनाम। और एक बात पहले भी कही गई थी मौलाना मोहम्मद इलियास मजारी साहब ने उस वादे का ईफा किया और वो यूं है कि जिस मकतब या मदरसे या इदारे के से फर्स्ट पोजीशन लाने वाले वाली तालिबा या तालिब इल्म होता है उसके उस्ताद को इंशाल्लाह 1,000 रुपए नकद इनाम से नवाजा जाएगा। दोम पोजीशन लाने वाली तालिबा या तालिब इल्म के उस्ताद को 700 रुपए के इनाम से नवाजा जाएगा और सोम पोजीशन लाने वाले तालिब इल्म या तालिबा के उस्ताद को 500 रुपए के नकद इनाम से नवाजा जाएगा। अब हम इनामात की तकसीम का सिलसिला शुरू करते हैं और
हम तरतीबे माकूस रखेंगे, यानी 31वें और 30वें नंबर की जो पोजीशन है। किताब में 1000 सवालात मौजूद हैं अपने जवाबात के साथ, लेकिन चूंकि वक्त हमें तैयारी का कम मिला था, लिहाजा 600 सवालात और उसके जवाबात की तैयारी करवाई गई थी। उन 600 सवालात और जवाबात में से सवाल की कॉपी पर 200 सवालात 4 ऑप्शंस के साथ मौजूद थे, लिहाजा टोटल नंबर 200 थे। ठीक है, उन 200 नंबरों में से जिन तलबा व तालिबात ने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं, उनकी तादाद इस वक्त चूंकि हमारे पास फाइजीन की तादाद यानी टॉप 10 के बजाय टॉप 30 की हो चुकी है, लिहाजा 200 नंबरों में से 181 नंबर हासिल करने वाले शुरका और मुसाहिमीन की तादाद 4 है, बल्कि 5 है। 200 नंबरों में से 181 नंबर हासिल करके 10वीं पोजीशन हासिल करने वाले शुरका और मुसाहिमीन की तादाद 5 है। हम बिलतरतीब उनके नाम लेते जा रहे हैं, ये शुरका और मुसाहिमीन बल्कि अब तो फाइजीन 1000 रुपए नकद इनाम के मुस्तहिक होंगे, साथ ही उन्हें सनद शिरकत और एक किताब से भी नवाजा जाएगा। खास काबिले जिक्र बात यह है कि इस प्रोग्राम में जिन बच्चों ने भी शिरकत की थी, इस कंपटीशन और मुकाबले में जिन बच्चों ने भी शिरकत की थी, उनकी कापियां उनके सनद शिरकत के साथ हम रिश्ता करके दी जा रही हैं, ताकि वो देख सके कि हमने कहां कहां मिस्टेक किया है, हमसे कहां कहां चूक और गलती हुई है, ताकि आइंदा जब कभी कोई ऐसा मौका और मरहला आए, चूंकि जिंदगी का कोई आखिरी इम्तिहान नहीं है, आइंदा भी उसका ख्याल रख सके और आइंदा इन गलतियों को न दोहराए। लिहाजा तमाम तलबा व तालिबात, ये इनामात जब तकसीम हो जाएंगे और दुआ के बाद, हम तमाम मकातिब और इदारों और स्कूलों के जिम्मेदारान से गुजारिश करेंगे कि उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी मेहनत काविश और जिद्दोजहद का यकीनी तौर पर बदल तो नहीं हो सकता है, लेकिन उनके एतराफ में, उनकी मेहनत और उनकी मशक्क़त के अतराफ में मौलाना मोहम्मद इलियास साहब मज़ाहिरी की जानिब से उन्हें शील्ड पेश किया जाएगा, और एक एक मकतब या एक एक इदारे के जो जिम्मेदार हैं अपने तमाम तलबा और तालिबात की कापियां और उनके जो इनामात बसूरत किताब मौजूद हैं वो भी लेके जाएंगे। अब हम इनामात का ऐलान करने लगे हैं। 10वीं पोजिशन पे 200 नंबरों में से 181 नंबर हासिल करके 5 तलबा और तालिबात रहे। पम्मी परवीन बिंत मोहम्मद कलीम, आप तालिबा हैं मक्की मस्जिद खोरी महुआ की। जीनत बेगम बिंत अजहरुद्दीन, आप तालिबा हैं मकतब इकरा अनवारुल उलाम डुमर डीहा। दसवीं पोजीशन पे जो 5 तालिबात हैं उनके नाम हैं, तीसरा नाम है हफ्सा परवीन बिन मौलाना अशफाक, मक्की मस्जिद खोरी महुआ। हुमैरा तमसील बिंत मुफ्ती गुलाम रसूल कासमी। क्या हुआ? ये तो 10वीं पोजीशन है जी। 10वीं पोजीशन पे 5 तालिबात हैं, हम भी तरतीब उनके नाम पुकार रहे हैं। 200 नंबरों में से 181 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। हफ्सा परवीन बिन मौलाना अशफाक, पम्मी परवीन बिन मोहम्मद कलीम, आप तालिबा हैं मक्की मस्जिद खोरी महुआ के, आपका फार्म नंबर 495 है। जीनत बेगम बिन अजहरुद्दीन, आप तालिबा हैं मकतब इकरा अनवारुल उलूम डुमर डीहा की, आपका फार्म नंबर 417 रहा। हुमैरा तमसील बिन मुफ्ती गुलाम रसूल कासमी, आप तालिबा हैं मकतब पिहरा की। और सलीना परवीन बिंत मोहम्मद हसनैन, आप भी तालिबा हैं मकतब पिहरा की, आपकी आपका फार्म नंबर 75 रहा। यह 10वीं पोजीशन की 5 तालिबात थी जिनको इनामात दिए जा रहे हैं, जिनके नाम अभी पुकारे गए। जी अच्छा ठीक, कौन सा आ चुका है? जीनत बेगम हो गई, हमारा तमसील का हुआ। हुमैरा तमसील बिंत मुफ्ती गुलाम रसूल कासमी। ठीक है, हुमैरा तमसील बिंत मुफ्ती गुलाम रसूल कासमी, आप तालिबा हैं मकतब पिहरा की, आपका फार्म नंबर 86 रहा।
सलीना परवीन बिंत मोहम्मद हसनैन, आप तालिबा हैं मकतब पिहरा की, आपका फार्म नंबर 75 रहा। हो गया, 10वीं पोजीशन मुकम्मल हो गई। चलो भाई, हो गया, यार क्या कर रहा है। 10वीं पोजीशन हो गई। जाओ भाई, सब वहीं बांटो, सिर्फ तीसरी सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड को पर बुला लो। हाँ तो नीचे चले जाओ, जाओ नीचे भेज। हाँ वैसे नहीं, वैसे नहीं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। जिन तलबा और तालिबात के नाम पुकारे गए थे, अगर वो नीचे हैं तो ये सामने की तरफ नाम पुकारते के साथ सामने आते जाएंगे और अपने इनामात लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। जी, 10वीं पोजीशन मुकम्मल हुई। 9वीं पोजीशन पे एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ तलबा और तालिबात हैं 9वीं पोजीशन पे, जिन्होंने 200 नंबरों में से 182 नंबर हासिल किए। गजाला परवीन बिंत मोहम्मद शमसुद्दीन, आप तालिबा हैं मकतब ढेंगा डी की, आपका फारम नंबर 902 रहा। गजाला परवीन बिंत मोहम्मद शमसुद्दीन, आप तालिबा हैं मकतब ढेंगा डी की, आपका फारम नंबर 902 रहा। मोहम्मद साद अंसारी बिन हाफिज मोहम्मद मंजूर आलम, आप तालिब इल्म हैं मदरसा तालीमुल कुरान बसगी के, आपका फारम नंबर 805 रहा। 9वीं पोजीशन पे दूसरे हैं मोहम्मद साद अंसारी बिन हाफिज मोहम्मद मंजूर आलम, आप तालिब इल्म मदरसा तालीमुल कुरान बसगी के, आपका फारम नंबर 805 रहा। मोहम्मद समीर अंसारी बिन मोहम्मद सरफराज अंसारी, आप तालिब इल्म मकतब भेलवा पहरी के, आपका फारम नंबर 502 रहा। मोहम्मद सईद अरशद बिन तनवीर आलम, आप तालिब इल्म उर्दू मिडिल स्कूल बसनपुर के, आपका फार्म क्या है? उर्दू मिडिल स्कूल बिशनपुर के, आपका फार्म नंबर 251 रहा। अफीफा परवीन बिंत मोहम्मद नौशाद हुसैन, आप तालिबा हैं जैतून मेमोरियल पब्लिक स्कूल भंडारी डी की, आपका फार्म नंबर 210 रहा। सोनी खातून बिंत मोहम्मद मुख्तार, सोनी खातून बिंत मोहम्मद मुख्तार, आप तालिबा हैं मकतब पिहरा की, आपका फार्म नंबर 23 रहा। फरहत नाज बिंत मोहम्मद आशिक इलाही, आप तालिबा हैं मकतब पिहरा की, आपका फारम नंबर 16 रहा। 9वीं पोजीशन पे कुल 9 तालिबा व तालिबात थे। अब 8वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात की कुल तादाद 3 है। इन्होंने 200 नंबरों में से 183 नंबर हासिल किए हैं। 200 नंबरों में से 183, 8वीं पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 3 है। इन्होंने 200 नंबरों में से 183 नंबर हासिल किए हैं, जिनके नाम ये हैं वलीउल्लाह हुसैनी बिन मौलाना हुसैन, आप तालिब इल्म मकतब खैरोन के, आपका फारम नंबर 1052 रहा। दूसरे हैं सलमान खुर्शीद बिन खुर्शीद आलम, सलमान खुर्शीद बिन खुर्शीद आलम, आप भी तालिब इल्म हैं मकतब खैरोन के, आपका फारम नंबर 1033 रहा। और 8वीं पोजीशन हासिल करने वाली तीसरी तालिबा हैं मरियम नाज बिंत मोहम्मद बशीर, आप तालिबा हैं मदरसा नूरुल उलूम पेहरा की, आपका फारम नंबर 90 रहा। और अब 7वीं पोजीशन, 7वीं पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 6 है। इन्होंने 200 नंबरों में से 184 नंबर हासिल किए हैं। इन तमाम तलबा और तालिबात ने मुसावी तौर पर बराबर यानी 184 नंबर हासिल किए हैं 200 नंबरों में से, जिनके नाम यूं हैं सादिका परवीन बिंत हाफिज मोहम्मद इस्लाम, आप तालिबा हैं मदरसा तालीमुल कुरान बसगी की, आपका फारम नंबर 779 रहा। दूसरी तालिबा हैं मुस्कान परवीन बिंत अब्दुल अजीज, आप तालिबा हैं मक्की मस्जिद खोरी महुआ की, आपका फारम नंबर 479 रहा। मुबशरीन परवीन बिंत मोहम्मद मुख्तार आलम, आप भी तालिबा हैं मक्की मस्जिद खोरी महुआ की, आपका फारम नंबर 484 रहा। नौशाबा परवीन बिंत मास्टर नौशाद आलम, आप भी तालिबा हैं मक्की मस्जिद खोरी महुआ की,
आपका फार्म नंबर 483 रहा। गुलनाज परवीन बिंत मोहम्मद मुश्ताक अहमद, आप तालिबा हैं मक्की मस्जिद खोरी महुआ की, आपका फार्म नंबर 464 रहा। और साथ ही पोजीशन हासिल करने वाले एक तालिबे इल्म है मोहम्मद सनाउल्लाह बिन मोहम्मद अहमद अली, आप तालिबे इल्म हैं मकतब अजमतुल कुरान बगड़ों के, आपका फार्म नंबर 377 रहा। और अब छठी पोजीशन हासिल करने वाले फाइजिन की तादाद 3 है, इन्होंने 200 नंबरों में से 185 नंबर हासिल किए हैं, जिनके नाम ये हैं शबनम खातून बिंत रियाजुल हक, आप तालिबा हैं मकतब खैरान की, आपका फार्म नंबर 1054 रहा। तस्नीम फातिमा बिंत मोहम्मद यूनुस, आप तालिबा हैं मदरसा गुलशन मुजाहिद मिल्लत गरजामो की, आपका फार्म नंबर 401 रहा। और छठी पोजीशन हासिल करने वाली तीसरी तालिबा हैं रुखसाना खातून बिंत मोहम्मद सिकंदर, आप तालिबा हैं इकरा पब्लिक स्कूल गलवाती की, आपका फार्म नंबर 345 रहा। अब पांचवी पोजीशन हासिल करने वाले 3 लोग हैं, इन्होंने 200 नंबरों में से 186 नंबर हासिल किए हैं, मोहम्मद जुनैद बिन गुलाम रब्बानी, आप तालिब इल्म हैं मकतब खैरोन के, आपका फार्म नंबर 1032 है। दूसरे हैं पांचवी पोजीशन हासिल करने वाले दूसरे तालिब इल्म हैं बरकतुल्ला अंसारी बिन झक्सू मियाँ, आप तालिब इल्म हैं मोहम्मदी मस्जिद मोहनपुर के। और तीसरे तालिब इल्म हैं पांचवी पोजीशन हासिल करने वाले 200 नंबरों में से 186 नंबर हासिल करके मोहम्मद आसिफ बिन मोहम्मद मुस्लिम, आप तालिब इल्म हैं मदरसा तालीमुल कुरान बसगी के। चौथी पोजीशन पर सिर्फ एक तालिबा है जिन्होंने 200 नंबरों में से 187 नंबर हासिल किए हैं। पांचवी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद आसिफ बिन मोहम्मद मुस्लिम, आप तालिब इल्म हैं मदरसा तालीम कुरान बसगी के, आपका फार्म नंबर 785 रहा। जी तीसरी पोजीशन सिर्फ एक तालिबा ने हासिल किया है, इन्होंने 200 नंबरों में से 187 नंबर हासिल किए हैं। तीसरी पोजीशन की तालिबा स्टेज पे आएंगी और आप इनाम यहां आकर हासिल करेंगे। तीसरी पोजीशन की तालिबा है 200 नंबरों में से 187 नंबर हासिल किया है इन्होंने, इनको 3000 रुपए का इनाम जिसके लिए अलामती चेक मौजूद है उनसे नवाजा जाएगा, साथ ही उन्हें शील्ड दी जाएगी। एक 3000 रुपए का अलामती चेक से नवाजा जा रहा है और असल चेक उनको अलग से लिफाफे में दिया जा रहा है। उनका नाम है साजिदा खातून बिंत बशीरुद्दीन, आपका ताल्लुक है मकतब खैरोन से और आपका फार्म नंबर रहा 1053। साजिदा खातून बिंत बशीरुद्दीन, आप तालिबा हैं मकतब खैरोन की। काबिले जिक्र बात यह है कि अव्वल पोजीशन यानी जो सबसे हाईएस्ट नंबर थे 200 नंबरों में से 188 नंबर हाईएस्ट रहा, 188 नंबर दो मुसाहिमीन ने हासिल किया था। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि इश्तिहार में भी ये मौजूद थे शराइत और जवाबित कि जिसकी कापी में कांट छाट या ओवरराइटिंग ज्यादा होगी उसकी माइनस नंबरिंग की जाएगी, लिहाजा इस बुनियाद पर 188 नंबर होते हुए भी जिनको दूसरा नंबर दिया गया है सेकंड पोजिशन दी जा रही है वो है मोहम्मद शाहनवाज बिन सलामत अंसारी, आप तालिबे इल्म मकतब खैरोन के और आपका फार्म नंबर रहा 1015। मोहम्मद शाहनवाज बिन सलामत अंसारी, आप तालिब ये है। वाह माशाल्लाह। मोहम्मद शाहनवाज बिन सलामत अंसारी आपका ताल्लुक मकतब खैरोन से है जिसके जिम्मेदार हजरत मौलाना अरशद साहब कासमी हैं, इंशाल्लाह अभी उनको भी नाम से नवाजा जाएगा। उनकी मेहनत और जिद्दोजहद में समर आवर हुई और आप देख रहे हैं मोहम्मद शाहनवाज बिन सलामत अंसारी जिनका ताल्लुक मकतब खैरोन से, उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। और अब हमारे पास रह गई है पहली पोजीशन, हमारे पास अब पहली पोजीशन रह गई है। हमने पहले अर्ज किया कि अव्वल और दोम पोजीशन में नंबरों का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ओवरराइटिंग और कांट छाट की बुनियाद पर फैसला किया गया है, लिहाजा नंबरात 200 में से 188 अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा के भी हैं और वो तालिबा हैं
200 नंबरों में से 188 नंबर हासिल करके काट छाट और ओवर राइटिंग की बुनियाद पर इनकी इनके जो मध्य मुकाबिल थे जिन्होंने मुसावी नंबर हासिल किए थे उनकी माइनस नंबरिंग की गई और इन्हें दूसरी पोजीशन से दिया गया। लिहाजा पहली पोजीशन हासिल करने के लिए तशरीफ ला रही हैं मक्की मस्जिद खोरी महुआ की तालिबा हैं शबनम खातून बिंत मोहम्मद मकसूद आलम। आपका फारम नंबर 496 रहा। इनको इस वक्त 15,000 रुपए नकद इनाम अलामती चेक शील्ड से नवाजा जा रहा है। वो इस वक्त स्टेज पर मौजूद मेहमानाने गरामी और अकाबिर उलमा के हाथ से अपना चेक और अलामती शील्ड और अलामती चेक वसूल कर रही हैं। शबनम खातून बिंत मोहम्मद मकसूद आलम मक्की मस्जिद खोरी महुआ से आपका ताल्लुक है और आप वहाँ की तालिबा हैं। और जहां तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई का मौका है वहां यहां के जिम्मेदारान और मुंतजिमीन ने काम करने वालों की हौसला अफजाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। लिहाजा आपको जैसा कि मालूम है कि इस किताब के मुरत्तिब और मुसन्निफ मुफ्ती मोहम्मद बिन नजर रशीदी नदवी हैं। साथ ही इस क्विज कंपटीशन के मुंतजिम और मुतहर्रिक और फ़ाल इनके शरीकेकार रफीकेकार हैं मुफ्ती मोहम्मद बिन नजर रशीदी नदवी। इनको मौलाना मोहम्मद इलियास मजाहरी की जानिब से 10,000 रुपए के चेक से नवाजा जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। इन दोनों हजरात को सेहत और सलामती के साथ आफियत के साथ रखे इनके हौसलों को जज्बों को और हिम्मतों को तवानाई बख्शे ताकत बख्शे कुव्वत बख्शे। और आज के सजीम-उश-शान कॉन्फ्रेंस के जो नकाबत फरमा रहे हजरत मुफ्ती अहमद बिन नजर साहब को मैं खुद अपने से गुलदस्ता पेश करके इनका इस्तकबाल करता हूँ। और 10,000 रुपए इनाम भी। अब मैं अपने उस्ताद मुकर्रम हजरत मौलाना शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि अब तशरीफ लाएं दुआ फरमा दें। तमाम मुअल्लिमीन से मैं गुजारिश करूंगा कि आप किताब और जो कापियां हैं और साथ में आपके जो सिल्ड बनाई गई है वो लेकर के जाएं। जो पोजीशन वाले तलबा और तालिबात थे उनके इनाम मिल चुके हैं। अब उसके अलावा जो इदारों के स्कूलों के या मकातिब के जिम्मेदारान हैं वो तशरीफ लाएंगे और अपने इदारे के तमाम बच्चों के जो कापियां हैं और उनके जो किताब की सूरत में जो उनका इनाम है वो यहाँ से लेके चले जाएंगे। हाँ, और वो मौलिमीन हजरात से गुजारिश ये भी है कि उनके लिए मौलाना इलियास साहब ने चूंकि उन्होंने कोशिशें की हैं इस सिलसिले में लिहाजा उनको भी इनाम से नवाजेंगे। और जिन असाज़ा के लिए ऐलान हुआ था पोजीशन होल्डर जो तलबा और तालिबात हैं उनके वो असाज़ा भी मौलाना इलियास साहब से मुलाकात करके और उनसे भी इनाम हासिल कर लेंगे। हाँ, असाज़ा से गुजारिश है कि वो यहाँ से हासिल करके अपने तलबा और तालिबात के दरमियान ये इनामात तकसीम फरमा दें। कापियाँ भी उसके साथ हम रिश्ता हैं और साथ ही जो किताब है और जो शील्ड है या जो कुछ भी मौजूद है वो लेके और